शौर्य व स्वाभिमान के स्वर्णिम युग की रानी दुर्गावती का 458वां बलिदान दिवस आज सिंग्रामपुर में देशभक्ति पूर्ण माहौल में मनाया गया। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आचार संहिता के चलते कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। सभी ने अलग अलग प्रतिमा स्थल पहुंचकर वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोंडवाना समाज के द्वारा सिंग्रामपुर में सबसे पहले राजा दलपत शाह वीरांगना रानी दुर्गा के पति समाधि स्थल पर राजगौर समाज व अन्य समाजों के लोग पहुंचे, जहां पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां सभी ने बारी बारी से रानी दुर्गावती प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान क्षत्रिय राजगौर समाज के वक्ताओं ने रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर क्षत्रिय गोंडवाना समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। वही जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सर्वप्रथम पहुंचकर रानी के चरणों में आदरांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गोंडवाना समाज जय सेवा के सदस्य प्रीतम सिंह ठाकुर की उपस्थिति रही। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, नीरज जायसवाल, रघुनंदन तिवारी, हरिराम सिंह, कपिल राजपूत, अनिल खरे, भागचंद यादव, प्रेम सिंह, दीपक यादव, नारायण यादव, प्रमोद धनगर, नितेश धनगर, द्वारका सिंह, मंजू सिंह, नीतीश अग्रवाल, ओपी शर्मा सहित भारी संख्या में कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही।